हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि कौन सा स्ट्रिंग गेज आपके गिटार के लिए सही है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि सही स्ट्रिंग गेज से आप अपना गिटार बहुत अच्छे से मेंटेन भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है अगर आपको अच्छी साउंड चाहिए अपने अकूस्टिक गिटार से। इसके अलावा सही स्ट्रिंग गेज लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है अगर आपको अपने गिटार को मेंटेन करना है और लॉन्ग रन तक यूज़ करना है। सही स्ट्रिंग्स लगाने से आपको अच्छी टोन तो मिलती ही है, इसके अलावा आपका जो गिटार है ओवरऑल मेंटेन रहता है। अगर आप गलत स्ट्रिंग गेज लगाते हैं, जैसे कि अगर आप अपने गिटार पे काफ़ी मोटी स्ट्रिंग्स लगाते हैं जो कि आपके गिटार के लिए सूटेबल नहीं है, उससे आपका गिटार का ब्रिज निकल सकता है, नेक में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि नेक बेंड हो सकता है। अगर जो आपका नेक जॉइंट है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी है तो वो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जो है सही स्ट्रिंग गेज लगाइए। अब स्ट्रिंग गेज की बात की जाए तो गेज का मतलब हो जाता है स्ट्रिंग थिकनेस। तो यहाँ पे आपकी जो गिटार में स्ट्रिंग्स होती हैं वो अलग अलग थिकनेस की होती है। तो अगर आप कोई भी गिटार के स्ट्रिंग का पैकेट लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास JW स्ट्रिंग्स का पैकेट है, तो इसमें टॉप राइट में आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग गेज के बारे में बता रखा है। जैसे कि यहाँ पे 0.012 है, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग की थिकनेस, और जो 0.053 है ये हो गई आपकी सिक्स स्ट्रिंग की थिकनेस। तो ऐसे अलग अलग स्ट्रिंग गेज आपको मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। जो सस्ती स्ट्रिंग्स होती हैं जो कि 100 से 200 रुपए की प्राइस रेंज में आती हैं, जो भी ये सारी चाइना में मैन्युफैक्चर होती है और आपको जो ये गिटार के बंडल में फ्री मिलती हैं, वो स्ट्रिंग्स मैं आपको कभी रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उन स्ट्रिंग्स में जो गेज होता है वो प्रॉपर नहीं होता, करेक्ट नहीं होता। उसमें लिखा होगा 10 गेज या 11 गेज, पर वो एग्जैक्टली उतनी थिकनेस नहीं होगी उस स्ट्रिंग्स की। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अच्छी क्वालिटी की स्ट्रिंग्स यूज़ करिए। जो सस्ती स्ट्रिंग्स होती है उसको इमरजेंसी के लिए रख लीजिए चाहे, लेकिन अगर आप अपनी स्ट्रिंग्स चेंज कर रहे हैं प्लेइंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अच्छी रिलायबल स्ट्रिंग्स यूज़ करिए। जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ JW की स्ट्रिंग्स, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की स्ट्रिंग्स है और मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही रिलायबल रही है। ओवरऑल अच्छी टोन तो आपको मिलती है, इसके अलावा जो ट्यूनिंग स्टेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी रहती है इन स्ट्रिंग्स की। इसके अलावा जो एडवांटेज है JW स्ट्रिंग्स का वो ये है, एक तो ये इजीली मिल जाती है और इसमें बहुत वैरायटी आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे इनकी EZ सीरीज़ आती है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल रहती है। तो जैसे कि आपके इकोनॉमिकल गिटार्स हो जाते हैं करीब 3 से 5 हज़ार रुपये के, या इवन 6-7 हज़ार रुपये के अगर आप लगाना चाहें, तो EZ सीरीज़ बहुत अच्छी रहती है और ये करीब 300 से 350 रुपये के प्राइस रेंज में आ जाती है। इसके अलावा अगर आप थोड़े से प्रीमियम स्ट्रिंग्स चाहें तो इसमें EJ सीरीज़ आती है जो कि बहुत ही अच्छी रहती है और काफ़ी आइडियल रहती है अगर आप जैसे यामा F310, कॉर्ड 8810 जैसे गिटार्स पे लगाना चाहते हैं। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है JW की, कि इसमें आपको रीजनेबल प्राइस रेंज में भी अच्छी स्ट्रिंग्स मिल जाती है और अगर आपका थोड़ा ज़्यादा बजट है तो प्रीमियम क्वालिटी की स्ट्रिंग्स भी अवेलेबल है। और ये स्ट्रिंग्स जो है बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में आती है, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज है। जो इनकी पैकेजिंग होती है एंटी करोसिव पैकेजिंग होती है, और उसमें क्या है, स्ट्रिंग्स काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहती है काफ़ी लंबे टाइम। तो जब तक कोई भी छेद ना हो, कहीं से भी कोई पैकेट फटे ना, स्ट्रिंग्स जो है बहुत ही अच्छी और न्यू कंडीशन में रहती हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप JW स्ट्रिंग्स को जरूर चेक करें। तो यहाँ पे मेरे पास कई JW स्ट्रिंग्स है जो कि मैंने ऑर्डर की थी अपने गिटार्स के लिए। अब यहाँ पे अलग अलग गेज में मैंने ऑर्डर करी हैं ये स्ट्रिंग्स। तो जो सबसे पतला गेज आपको देखने को मिल जाता है वो है 0.009 से 0.045। इसके अलावा आपको मिल जाता है 0.010 से 0.050। इसके अलावा आता है 0.011 से 0.052, और इसके अलावा आता है 0.012 से 0.053। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन सा स्ट्रिंग गेज आपके गिटार के लिए सही रहेगा। अब यहाँ पे मेरे पास अलग अलग प्राइस रेंज के अलग अलग गिटार्स हैं, तो सबसे पहले मैं सस्ते गिटार से स्टार्ट करूँगा। और यहाँ पे मेरे पास सबसे सस्ता गिटार जो है वो है इंटर्न का 38C मॉडल, जो कि मैंने लिया था करीब 1600 रुपये का। ओवरऑल ये गिटार ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि मैंने ये स्ट्रिंग्स लूज करके रखी है, मैं बहुत ही कम यूज़ करता हूँ इस गिटार को। इस गिटार का थोड़ा सा ब्रिज भी निकल रहा है और जो एक्शन है ओवरऑल गिटार का ठीक है। तो ऐसे गिटार्स के लिए जिसमें ट्रस रॉड नहीं होती, जैसे कि इंटर्न का 38C हो गया, जिक्सिंग का 38C हो गया, ORS का 38C हो गया, जो कि करीब आपके 1500 से 2500 रुपये के प्राइस रेंज में आते हैं,
इन गिटार्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है 9 गेज का स्ट्रिंग गेज यूज़ करिए, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है 0.009 से 0.45। अगर आपके गिटार का नेक बेंड हो रहा है या ब्रिज बाहर निकल रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 9 गेज की स्ट्रिंग यूज़ करिए। अगर आपका गिटार ठीक है, आपको लगता है ठीक चल रहा है, आपको थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा चाहिए, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 10 गेज यूज़ करिए। अब यहाँ पे मैंने 9 गेज इसलिए बोला इस गिटार के लिए क्योंकि अगर नेक बेंड हो जाता है इस गिटार का तो वो तो आप ठीक नहीं कर सकते, लेकिन पतली स्ट्रिंग लगाने से क्या होगा, ओवरऑल जो स्ट्रिंग टेंशन है वो कम हो जाएगी गिटार पे और जो एक्शन है आपका वो भी कम हो जाएगा, तो आप अपना गिटार प्ले कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और क्योंकि स्ट्रिंग टेंशन कम रहेगी ओवरऑल गिटार पे तो आपका नेक भी बेंड नहीं होगा गिटार का, इसके अलावा जो ब्रिज है गिटार का वो भी नहीं निकलेगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये जो मॉडल है D-Direco EZ890 इसको ट्राई करिए इस गिटार पे या जो भी आपके 1.5 से 2.5 हज़ार रुपये के गिटार होते हैं। इसके अलावा मेरे पास है यहाँ पे हेंड्रिक्स का 38C मॉडल जो कि करीब 3 से 3.5 हज़ार रुपये की प्राइस रेंज में आ जाता है। ये गिटार भी अच्छा चल रहा है, इसमें क्योंकि ट्रस रॉड है तो कोई दिक्कत नहीं आती है सच, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे आइडियल स्ट्रिंग्स होंगी 10 गेज वाली जो कि यहाँ पे है 0.010 से 0.50, क्योंकि इस गिटार में ट्रस रॉड है, अगर नेक थोड़ा बहुत बेंड होता भी है तो आप आराम से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो 10 गेज सफिशिएंट है ऐसे गिटार्स के लिए जो कि करीब 3 से 3.5 हज़ार रुपये की प्राइस रेंज में आते हैं। अगर आप इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मोटी स्ट्रिंग्स लगेंगे जैसे कि 11 गेज या 12 गेज तो उसमें दिक्कत हो सकती है कि फ्यूचर में आपका जो ब्रिज है वो निकलना शुरू हो जाए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 10 गेज ही यूज़ करिए ऐसे गिटार्स पे। अगर मैं इंडियन ब्रांड्स की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास है गिब्सन का गिटार, तो गिब्सन के गिटार के लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लाइट स्ट्रिंग्स ही यूज़ करिए। जो ये इंडियन ब्रांड्स वाले गिटार होते हैं जैसे गिब्सन हो गया, ग्रासन हो गया, हॉवनर हो गया, इसमें जो स्टॉक स्ट्रिंग्स लगी हुई आती है वो तो बहुत ही ख़राब क्वालिटी की होती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अच्छी क्वालिटी की स्ट्रिंग्स यूज़ करिए। इसमें भी आप D-Direco आराम से लगा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और स्ट्रिंग गेज की बात करें तो इन गिटार्स में भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि या तो आप 9 गेज यूज़ करिए या 10 गेज यूज़ करिए, क्योंकि यही स्ट्रिंग्स आइडियल रहती है इन गिटार्स के लिए। इससे ज़्यादा मोटी स्ट्रिंग्स अगर आप यूज़ करेंगे जैसे कि 11 या 12 गेज तो इसमें नेक आराम से क्रैक हो सकता है, काफ़ी रिस्क रहता है, तो आप बस लाइट स्ट्रिंग्स ही यूज़ करिए इंडियन ब्रांड्स पे, उससे आपका गिटार काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहेगा। अब इसके अलावा अगर हम थोड़े हायर प्राइस रेंज की बात करें जैसे कि 5 से 6 हज़ार रुपये की गिटार या इवन 7 हज़ार रुपये की प्राइस रेंज तक की गिटार्स की बात करें तो उसमें जो है आपको 11 गेज तक भी ठीक रहता है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है वॉल्ट का EA20 जो कि मैंने थोड़े टाइम पहले रिव्यू किया था। इन गिटार्स में आप 11 गेज की स्ट्रिंग्स यूज़ कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, तो ये गिटार्स काफ़ी अच्छे रहते हैं क्योंकि ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है और आपको बेटर साउंड भी मिलती है, तो आप इसमें 11 गेज तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। 12 गेज में आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, 11 गेज तक काफ़ी आइडियल रहता है इन गिटार्स के लिए। तो जैसे वॉल्ट EA20 हो गया, OEM ब्रांड्स हो गए जैसे कि हर्ट्स, इसके अलावा प्लूटो कैप्स और इवन जैसे आइवनीस MD39C है जो कि काफ़ी पॉपुलर हो गया है अब, तो उन गिटार्स पे आप 11 गेज यूज़ करिए बिना किसी प्रॉब्लम के, आपका गिटार जो है आराम से मेंटेन भी रहेगा और अच्छी साउंड भी आपको मिलेगी अपने गिटार से। तो इन गिटार्स पे डिपेंडिंग कि आपका बजट क्या है आप यूज़ कर सकते हैं EZ सीरीज, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है EZ 910, ये भी काफ़ी अच्छी और अफोर्डेबल स्ट्रिंग्स है। और अगर आप थोड़ी सी प्रीमियम स्ट्रिंग्स चाहें जैसे कि मेरे कई स्टूडेंट्स आइवनीस MD39C पे D-Direco की प्रीमियम स्ट्रिंग्स यूज़ करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप EZ 13 ट्राई करिए क्योंकि ये काफ़ी अच्छी है और ओवरऑल आपको बहुत अच्छी टोन मिलेगी। तो डिपेंडिंग आपका बजट क्या है आप जो है ये स्ट्रिंग्स ले सकते हैं और अपने गिटार को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। अब बात करें थोड़े प्रीमियम गिटार्स की जो कि 7000 से ऊपर की प्राइस रेंज में आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यामा F310 हो गया, यामा FS100C हो गया, कॉर्ड AD810, कॉर्ड AF510, AF515, कॉर्ड SFX ME, इसके अलावा कैपमा A1C, कैपमा D1C, फेंडर के जितने भी गिटार्स हैं जैसे SA105, SA150, FA115, FA125, CD60S, आइबनेस का PF15 ECE, PF17 ECE, जो भी इतने सारे गिटार्स इस प्राइस रेंज में आपको देखने को मिल जाते हैं और इवन जो भी गिटार्स आपको 50 या 70 हज़ार रुपये तक के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाते हैं, उन गिटार्स में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यूज़ करिए 1253 गेज जो कि बहुत ही आइडियल हो जाता है क्योंकि आपको काफ़ी अच्छी टोन मिलेगी बेसिकली और इन गिटार्स को आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो 1253 मेरे को काफ़ी ओवरऑल बैलेंस लगती है क्योंकि मेरे को अच्छी
साउंड भी मिलती है और काफी कंफर्टेबल प्लेइंग भी मिलती है। तो जो भी ये प्रीमियम गिटार्स होते हैं जैसे कि F310, AD810 और जो भी हायर प्राइस रेंज में आपको देखने को मिल जाते हैं, इनमें जो भी स्टॉक स्ट्रिंग्स फैक्ट्री से लगी हुई आती हैं वो मोस्टली 1253 ही होती हैं, क्योंकि आपको ओवरऑल अच्छी साउंड मिलती है उनसे। अगर आपको जो स्टॉक स्ट्रिंग्स हैं आपको थोड़ी मोटी लगती है, अनकंफर्टेबल लगती है प्ले करने में, आपको लगता है कि बहुत दिक्कत हो रही है प्ले करने में, अगर आप बिगिनर है आपको प्रॉब्लम आ रही है प्ले करने में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है 1152 यूज़ करिए। इससे नीचे जैसे कि जो 1047 गेज होता है वो मैं आपको ज़्यादा हाईली रिकमेंड नहीं करूँगा इन गिटार्स के लिए, क्योंकि आपको फ्रेट बस सुनने को मिल सकता है, तो 1152 तक ठीक रहता है प्रीमियम गिटार्स में। तो इन प्रीमियम गिटार्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप D-Dario की EJ सीरीज ही यूज़ करिए, क्योंकि आपको एक बहुत ही अच्छी साउंड मिलेगी ओवरऑल। तो यहाँ पे मेरे पास है EJ16 जो कि है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज और EJ11 जो कि है ब्रॉन्ज। तो अलग अलग गिटार्स पे अलग अलग टाइप की स्ट्रिंग्स लगती हैं, इस पर एक अलग वीडियोस मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो आप ये स्ट्रिंग्स यूज़ करिए, आपको ओवरऑल बहुत अच्छी साउंड भी मिलेगी और ओवरऑल काफ़ी कंफर्टेबल प्लेइंग भी मिलेगी। एक और इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूँगा प्रीमियम गिटार्स के रिगार्डिंग, जैसे कि गिटार्स आप काफ़ी यूज़ करते हैं, लॉन्ग रन चलते हैं, तो करीब 5-7 साल बाद या इवन 8-10 साल बाद थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को इन गिटार्स में मिल जाएंगे। जैसे कि जो नेक है उसमें थोड़ा सा क्रैक पड़ सकता है, जो ब्रिज है वो भी निकलना शुरू हो सकता है। तो अगर आप अपना गिटार रिपेयर नहीं करा पाते तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक लाइटर गेज यूज़ करिए। अगर आप 1253 यूज़ कर रहे थे तो आप यूज़ करिए 1152, लेकिन रिपेयर के बाद भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर गिटार को और आपको लंबा टाइम चलाना है, मेंटेन करके रखना है, तो एक लाइटर गेज ही यूज़ करिए, वो बेटर रहता है। इसके अलावा मैं एक और आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि हर 2-3 महीने में स्ट्रिंग्स को चेंज करते रहिए, इससे आपको अच्छी टोन थ्रू आउट द ईयर मिलती रहेगी और इसके अलावा आपको एक स्मूथ प्लेइंग एक्सपीरियंस भी रहेगा हर बार, तो ये बहुत ज़रूरी रहता है। आई नो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन अगर आप इस चीज़ को फॉलो करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट्स या क्वेरीज है तो वो भी कमेंट करिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। अगर आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ उस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बाय।